वी लिखा हुआ है, बाकी तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन सर इससे हमें क्या फायदा होगा? अगर हम ये मान के चलें कि डॉक्टर ने इसमें कोई मेडिसिन लिख के दी है, तो एक तो हमें दवाई का नाम पता चल जाएगा, और फिर हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने ये दवाई कहाँ से खरीदी है। यस सर, अब इस पूरी क्लिनिक में जब दूसरा कोई सबूत है ही नहीं, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। काम चलेगा या नहीं ये तो डॉक्टर सालुन के ही बताएंगे। मुझे इसमें जो कुछ भी लिखा है बहुत हल्का है, देखो। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। इसे लेजर कैमरा से देखना पड़ेगा। दिखाओ तो क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या लिखा हुआ है? इसे हम लेजर इंप्रेशन लिफ्टिंग डिवाइस पे लगा के देखते हैं। ये लेजर कैमरा है, इसकी बीम इस पेपर को ऊपर से स्कैन करेगी और फिर बाद में हम इस पेपर को नीचे से स्कैन करेंगे इस एंगल पर। इस पेपर पे जहाँ कहीं भी उतार चढ़ाव होंगे वो उस कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर ऊपर वाली और नीचे वाली इमेज को जब हम मिला के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है। अब इस डिवाइस को ऑन करता हूँ। अब हम नीचे से स्कैनिंग करेंगे। ये देखिए, वेरोक्सिन 50 mg। इसके ऊपर वाले कागज पर वेरोक्सिन लिखा हुआ था। जब किसी को बहुत दर्द होता है तो डॉक्टर ये दवाई देता है। इट्स अ पेन किलर। गोली निकालने के बाद भी बहुत दर्द होता है। उन लोगों ने रात को ही दवाई खरीदने की कोशिश की होगी। अभिजीत सर, एक काम करो, उस क्लिनिक के आसपास जितनी भी दवाई की दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती है उनका पता करो। सर, उस क्लिनिक के कंपाउंडर को हम अपने साथ लेकर आए हैं। ले क्या? यस सर। उस कंपाउंडर को बहुत कुछ मालूम होगा। सर भाई, आपके क्लिनिक के आसपास कितनी दवाई की दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती है? एक दुकान है सर, चेतन मेडिकल स्टोर। चेतन मेडिकल स्टोर्स। सर, अभी तक हमें सिर्फ इतना अंदाजा है कि ये 2 या 3 लोग हो सकते हैं, जैसा आपने जंगल में बताया था गोलियों के शेल्स देख के। हाँ, फिर? सर, जंगल से ये लोग सरला क्लिनिक में गए, वहां पे डॉक्टर को मारा और वहां से चेतन केमिस्ट के पास गए होंगे, करेक्ट? यस सर। अब सर, जिसे गोली लगी है वो तो गया नहीं होगा केमिस्ट की दुकान पे। ये दूसरा या बाकी दूसरे दोनों ये गए होंगे। सर, उस दुकान से हमें उनके हुलिया के बारे में पता चल सकता है, और ये भी पता चल सकता है कि कितने लोग थे और वहां से वो लोग कहां गए होंगे, शायद ये भी पता चल जाए। करेक्ट। सो यू बेटर स्टार्ट मूविंग, जल्दी से जल्दी जाके इंक्वायरी शुरू करो, कहीं वो लोग ज्यादा दूर जाने ना पाए। यस सर, मूव। अब देखिए रमन साहब, ये वो जंगल है, समर जंगल, जहां हमें सुभाष की लाश मिली थी, मुंबई से 15 किलोमीटर की दूरी पर। और ये जो बड़ी लाइन है वो मुंबई से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। सर, हमें सुभाष की लाश यहाँ मिली है मुंबई से 15 किलोमीटर दूर। करेक्ट। तो सर, सुभाष इसी रास्ते से या तो फिर आ रहा होगा या जा रहा होगा। करेक्ट। तो सर, हमें इसी रास्ते पर 48 किलोमीटर आगे जाकर देखना चाहिए। मुंबई 48 किलोमीटर, पेपर पे लिखा हुआ है मुंबई 48 किलोमीटर। ये जो पेपर पे लिखा हुआ है मुंबई 48 किलोमीटर, ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि सुभाष उस पेपर को खा गया। ऐसे क्या हो सकता है? मुंबई 48 किलोमीटर, इसका एक ही मतलब है कि मुंबई से 48 किलोमीटर पे कुछ होने वाला है। क्या ये वही लोग होंगे, वो टेररिस्ट जिनके पीछे सुभाष लगा हुआ था? या तो ये वहां मिलेंगे या वहां कुछ गड़बड़ करेंगे। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपका अंदाजा क्या है? मेरा अंदाजा यह है कि इस रास्ते पर सुभाष ने वो चीज जरूर छुपाई होगी जिसके पीछे वो लोग पड़े हुए हैं। You mean that list? Correct, वो list। देखिए, यहां एक बड़ा जंगल है मुंबई से 48 किलोमीटर की दूरी पर, सुभाष ने यहीं छुपाई होगी वो लिस्ट। लेट्स गो।
ये रहा। सुनिए, परसों सारी रात आपकी दुकान खुली हुई थी क्या? जी हाँ, हमारी दुकान तो हर रात खुली रहती है, डे एंड नाइट है। आपके यहाँ से परसों किसी ने ये दवाई खरीदी थी? वेरोक्सिन? जी मैं तो रात को दुकान पर होता नहीं हूँ, लड़का होता है, उसे ही मालूम होगा। लड़का कहाँ है? वो अंदर सो रहा है, उठाऊं उसे? हाँ जरा दो मिनट के लिए प्लीज। अच्छा, ए छोटू उठ जरा, आजा आजा। जी ये है। जी साहब। पैसा देना। देखिए जरा ये दवाई परसों किसी ने खरीदी थी आपके यहाँ से? वेरोक्सिन परसों रात को एक स्ट्रिप बेची थी साहब। किसको बेची थी? वो दो लोग गाड़ी में आए थे, वही लेके गए। दो ही लोग थे? वैसे तो तीन थे, लेकिन एक सामने गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी में बैठा हुआ था? गाड़ी का रंग क्या था? हाँ सफेद रंग की गाड़ी थी साहब, शायद उनकी दूसरी गाड़ी एक पंक्चर हो गई थी। ये पंक्चर का तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने पूछा साहब मुझसे। क्या क्या पूछा था? यही कि यहाँ कोई आसपास पंक्चर की दुकान है क्या। तो तुमने क्या कहा? मैंने बताया साहब, ये दो तीन दुकान छोड़ के एक बाजू में पंक्चर की दुकान है। दुकान का पता क्या है, कहाँ है? ये जरा लेफ्ट साइड जाएंगे तो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे सुनो। हाँ। परसों देर रात यहाँ पे कोई सफेद गाड़ी आई थी पंचर ठीक करवाने के लिए? नहीं परसों रात कोई नहीं आया था यहाँ, परसों पूरी रात कोई नहीं आया था। ना घबरा क्यों रहा है, हैं? हाँ नहीं साहब, सच कोई नहीं आया था। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सच सच बताओ आई थी। साहब मुझे कोई खतरा तो नहीं ना साहब? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बताओ। हाँ एक सफेद रंग की गाड़ी आई थी। गाड़ियाँ आई थी? अच्छा फिर? दो लोग थे साहब, मैंने उनके गाड़ी से टायर निकाला और पंक्चर बनाने के लिए अंदर लेके आया साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। अरे तो जल्दी कर रहे हैं, देर क्यों लग रही है? वो ट्यूब फट गई है, बदलनी पड़ेगी। हाँ तो बदल देना फटाफट। हाँ साहब। ट्यूब कैसे फट गई यार, ऐसा क्या लग गया? बस वो गोली। नहीं साहब किला लग गया साहब। तो जल्दी करना यार। जैसे ही मैंने गोली देखी ना साहब, मेरी तो हवा ही निकल गई साहब। मैंने सोचा कि राजू बेटे अगर तूने इन्हें सच सच बता दिया कि गाड़ी के टायर में गोली मिली है तो ये तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया साहब। वो गोली कहाँ है? ये रही साहब। तुमने टायर गाड़ी के डिग्गी में से निकाला था? हाँ साहब। तो फिर गाड़ी का नंबर प्लेट भी देखा होगा? हाँ साहब। नंबर याद है? हाँ साहब, ये नंबर तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता साहब। गाड़ी का नंबर था MH01 8838। अंधे को क्या चाहिए, एक आंख या तो दो मिल गए, कमाल हो गया, गाड़ी का नंबर भी मिल गया। एसीपी साहब को बता देता हूँ। सर अभिजीत। हाँ सर, हमें दो बातें पता चली हैं। एक तो सुभाष को मारकर भागने वाले तीन लोग थे और दूसरा गाड़ी का नंबर सर MH01 8838। वेरी गुड, काम बन गया। अब एक काम करो, आरटीओ ऑफिस जाओ और जल्दी से जल्दी किसी को पटाओ और उस गाड़ी की पूरी कहानी पूरा इतिहास ढूंढ के लाओ, समझे? ओके या सुना? तो अच्छा है, ये लोग हाथ लग जाए तो कम से कम फटाफट ये पता चल जाएगा कि सुभाष के पास असर था क्या, वरना 48 किलोमीटर पूरे होने को आ गए, मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। आगे कुछ मिल जाए तो ठीक है। मिलना इतना आसान नहीं है बॉस, यहाँ आसपास सारा जंगल है और अगर वो चीज छोटी है या पेपर छोटा है तो उसे ढूंढते ढूंढते महीने निकल जाएंगे।
MS-01883 यही गाड़ी है, लगता है वो घर पे होगा। गोकुल कहाँ है? वो सुबह सुबह कहीं चला गया है। कहाँ गया? पता नहीं मुझे। कहीं वो अंदर तो नहीं है? आप देख लीजिए ना, मैं सच सच कहता हूँ। ये गाड़ी किसकी है? गोकुल की है ना? हाँ। आज वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं गया? नहीं। क्यों? मुझे पता नहीं है। सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? हैं? मैं सच सच बता रहा हूँ। सच बता रहे हैं? हाँ। हैं? परसों रात गोकुल कहाँ था? मुझे पता नहीं। फिर वही पता नहीं? हाँ? परसों रात एक खून हुआ है और खूनी इस गाड़ी में घूम रहे थे और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं? हाँ? मुझे पता था एक दिन ये ऐसा होकर रहेगा। एक साल पहले मैंने उसके पास पिस्तौल देखी, तभी मैं जान गया पुलिस ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मैंने उसे काफी समझाया, ऐसा गलत काम मत कर मत कर। आप उसे पकड़ने आए हैं तो पकड़िए उसे। ये तो रामू की गाड़ी है, गोकुल आ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? अंदर जाओ। आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। आप मत करो। आहिस्ता 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 रुको, संभल के चलो। थोड़ी सी पी लूंगा ना, मुझे आराम मिलेगा। ना जाने उस डॉक्टर ने क्या दवाई थी, कुछ असर नहीं हो रहा है। मैं शाम को दूसरे डॉक्टर के पास ले चलूंगा, तो चल अभी अंदर चल, देख बहुत टेंशन है। हाँ हाँ सत्य ठीक हो जाएगा, चल ना यार। हाँ चल, हाँ लेके सफर सत्य ये लो आ गए मुंबई 48 किलोमीटर। अब ये रही आपकी सड़क और ये आपका जंगल। अब बताइए अगर आपको ऐसी जगह कोई चीज छुपानी है तो आप कहाँ छुपाओगे? मैं जंगल में तो कभी ना घुसूं, जो कुछ छुपाना सड़क पे छुपाऊंगा। कहाँ? फर्ज करो किसी पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे? लेकिन सारे पेड़ तो एक जैसे ही दिखते हैं, कोई खास निशानी तो नहीं है, और कहाँ छुपाओगे? और किसी पत्थर के नीचे। पत्थर के नीचे? हाँ पत्थर के नीचे। तो पत्थर भी तो सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं, सिर्फ ये एक पत्थर। यस मुंबई 48 किलोमीटर। यस अगर कुछ छुपा है तो इसी के नीचे होगा, पेपर में भी लिखा था मुंबई 48 किलोमीटर। हो सकता है, मैं कुछ खोद देख लूँगा। हाँ जी तो देश के बड़े बड़े लोगों के नाम है। ये देश के दुश्मन है, धोखा दे रहे हैं, आतंकवादियों के हाथों देश को बेच रहे हैं। ये खबर तो देश को हिला कर रख देगी। दे, जीप की तलाशी लो। माय गॉड, यहाँ किसी की लाश है। लाश है? हाँ। हिलाने। तूने कहा था तूने सब कुछ छोड़ दिया है,
मगर तू नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। किसकी लाश है ये? किसकी लाश है ये? हमें नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब। पता सब गोली मत चला सब, बता दो साहब। इस लिस्ट में इतने बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, मेरे तो होश उड़ के पड़ते ही। इन्हें जरूरत क्या पड़ती है सब करने की? अपने देश के साथ धोखा, छी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। बेचारे सुभाष की जान ले ली इन लोगों ने, मगर उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी रामन साहब। एक एक को पकड़ो और फांसी पर लटका दो। कल के अखबार में छप जाएगी लिस्ट, सुबह सुबह अपने नाम पढ़ेंगे तो जान हलक में लग जाएगी इन बदमाशों की। हेलो दया सर, हमने 3 लोगों को पकड़ा है। हाँ सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुभाष को मारा है, और उनकी गाड़ी में से एक लाश भी मिली। क्या, एक और लाश? हाँ सर, लाश। किसकी है? सर ये लाश इंटेलिजेंस ऑफिसर रमन कपूर की है सर। क्या? हाँ सर, वही ऑफिसर जो दिल्ली से आने वाला था। तो फिर ये यू? बोल मत करो सर। जो आदमी आपके साथ है वो इन लोगों का साथी है, और बहुत ही खतरनाक है सर। क्लोज द फोन प्लीज सर। हेलो 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 सर, क्या हुआ? फोन कट गया। लगता है उस नकली रमन कपूर को पता चल गया है कि हम लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं। इसका मतलब एसपी साहब की जान खतरे में है। तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं रमन नहीं हूँ, और ना ही मैं इस वक्त आईबी ऑफिसर हूँ। इसलिए जानते मैंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया, अपने आप को सीआईडी के हाथों बता लिया। लेकिन तुम्हें पता नहीं चला ना कि मैं आईबी ऑफिसर नहीं हूँ। आई शुड हैव चेक्ड। पिछली बार जब हम मिले थे तब तो तुम आईबी ऑफिसर थे। हाँ मैं आईबी ऑफिसर था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैं पैसे खाता हूँ। अरे भाई खाता हूँ तो खाता हूँ, खाता हूँ ना। सुभाष की मौत की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। सुभाष बेवकूफ था, बेवकूफ था वो। हाँ मगर था बहादुर, इतना तड़पाया उसे, इतना तड़पाया, लेकिन उसने जबान नहीं खोली अपनी, कुछ नहीं बताया हमें। फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली से रमन नाम का एक अफसर आ रहा है। मैंने उसकी जगह ले ली, और असली रमन वहाँ जीप में सो रहा है हमेशा हमेशा के लिए। तू भी सो जाएगा। पहले तू सोएगा। गाड़ी रोक, चल। नहीं रोकूंगा। गाड़ी रोक, नहीं तो गोली मार दूंगा। कुमार चलाओ गोली, चला। चेरी पगा पागल हो गया क्या? चलाओ गोली, चेरी पगा। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन तुम भी मेरे साथ मरोगे। फिर कब कर? मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा। गाड़ी रोक, कम ऑन शूट मी। गाड़ी रोक। फिर कब कर? अब बोल बोल। दो दो ऑफिसर के खून के और देशद्रोह के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।